नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। क्वार्टर फोर रिजल्ट को जानना बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। यस बैंक का क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या घटा है, क्या बढ़ा है, तो आपको बता दें, यस बैंक के क्वार्टर फोर रिजल्ट में दोस्तों यस बैंक को उम्मीद से ज़्यादा नुकसान, यानी कि जितनी उम्मीद थी कि नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा यस बैंक को नुकसान हुआ है। चौथी तिमाही में 3,787 करोड़ रुपये का यस बैंक को लॉस हुआ है। चलिए क्या कहते हैं नतीजे, वो भी अपन देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद से ज़्यादा कमजोर रहे हैं। फिक्सल ईयर 2021 की चौथी तिमाही में बैंक का लॉस उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर 3,787 करोड़ रुपये रहा। लोन लॉस प्रोविजनिंग और नेट इंटरेस्ट इनकम घटने के कारण बैंक को ये लॉस हुआ। ध्यान देंगे ये इन दोनों, नेट इंटरेस्ट इनकम घटने से और ये देख सकते हैं ये लोन लॉस प्रोविजनिंग के कारण ये लॉस हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही बैंक का जो लॉस था वो 3,668 करोड़ रुपये था, वहाँ से इसका 100 करोड़ रुपए लगभग और बढ़ा है। ध्यान देंगे मार्च तिमाही बैंक का इंटरेस्ट इनकम जो कि 22.5% घटकर 986 करोड़ के लगभग रुपये रहा है। इस साल पहले मार्च तिमाही में यह 1,273 करोड़ के लगभग था, और देख सकते हैं साल दर साल आधार पर बैंक का लोन यानी कि 2.7% घटकर 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा। इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन साल दर साल आधार पर 0.30% घटकर 1.6% पर आ गया है। मार्च तिमाही के दौरान बैंक के डिपॉजिट इजाफा हुआ है। बैंक का डिपॉजिट तो चौथी तिमाही में यानी कि 54.7% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चलिए यस बैंक के नतीजे एनालिस्ट के उम्मीदों से कमज़ोर रहे हैं। जानकारों की उम्मीद थी कि यस बैंक का लॉस 1,000 करोड़ के लगभग रह सकता है, यानी कि 1,000 करोड़ के लगभग तो लॉस रह सकता है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। यस बैंक पहले से दबाव में था और इसने लगातार 4-5 जो क्वार्टर वो अच्छे दिए थे, तो इस बार हो सकता है थोड़ा सा लॉस यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे जो लॉस था यहाँ पे यानी कि बढ़ता नजर आया, 3,787 करोड़ रुपये। CNBC 18 के पोल के मुताबिक यस उम्मीद थी कि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,937 करोड़ रुपये रह सकता है, लेकिन यह सिर्फ 986 करोड़ रुपये रहा। यह दोस्तों यस बैंक की सारी जो कहानी क्वार्टर फोर रिजल्ट की। चलिए चार्ट पे देखते हैं कि यस बैंक क्या खेल दिखा सकता है, यानी कि मंडे को क्वार्टर फोर रिजल्ट जो आए हैं तो इसकी ये FIA इसको किस तरीके से यहाँ हैंडल करते हैं। क्या इसको बैटल बहुत ही बुरा रिजल्ट मानेंगे तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगा, या और थोड़ा गिरावट दिखाई देगी, यहाँ इसको ये नेगलेक्ट करते हैं। यस बैंक का जो चार्ट मजबूत दिखाई दे रहा है उसके अनुसार यहाँ पे चलने वाला। ध्यान देंगे दोस्तों चार्ट यहाँ पे मजबूत है, इसका जो सपोर्ट निकल कर 14 का सपोर्ट निकल कर क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान देंगे। अगर यस बैंक आपको यहाँ पे यानी कि 15 पॉइंट और यहाँ पे 20 पैसे का अगर ये सपोर्ट ये तोड़ लेता है, यहाँ पे तोड़ लेता है 15.20 पैसे का रेजिस्टेंस तोड़ लेता है, यस बैंक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लगभग 18 का टारगेट पहले होगा, दूसरा टारगेट होगा इसका 25 रुपये का। नीचे दोस्तों अगर यस बैंक इंट्राडे में 14 रुपये का तोड़ता है ध्यान देंगे, तो ये एक कि ये इंट्राडे का सपोर्ट नहीं है, ये क्लोजिंग बेसिस का सपोर्ट। अगर क्लोजिंग इसकी 14 रुपये के नीचे आता है तो यस बैंक का 14 रुपये का सपोर्ट टूट गया है। उसके पश्चात मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये 14 रुपये पे बरकरार रहता है इंट्राडे के दौरान लास्ट क्लोजिंग के टाइम, समझ लीजिए इसका यस बैंक का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट था इसका कोई असर नहीं पड़ा है सपोर्ट पर, और सपोर्ट को ये बनाने में कामयाब रखा है। चलिए दोस्तों आप भी मेरे फ्री ग्रुप में आप एड हो सकते हैं। एक साल के लिए आपको फ्री सर्विस दी जा रही है, आपको करना कुछ नहीं, आपके स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए दोस्तों आपको मैं कल का कामकाज आपको दिखा देता हूँ। इंट्राडे ग्रुप में दोस्तों जो इक्विटी जो कॉल्स जाती है, इक्विटी यानी कि से जो शेयर्स की यानी स्टॉक्स की जो कॉल जाते हैं, IOC की आपको कॉल दी गई थी टारगेट सक्सेसफुल, कोटक महिंद्रा बैंक की कॉल आपको रिजेक्ट यानी कि यहाँ पे आपकी बिड लगी नहीं है। बंदर बैंक आपको सेल दिया गया टारगेट सक्सेसफुल, और एक्सिस बैंक आपको कॉल दिया टारगेट सक्सेसफुल, ICICI बैंक आपको कॉल दिया टारगेट सक्सेसफुल, IndusInd बैंक आपको सेल दिया टारगेट सक्सेसफुल। 100% की एक्यूरेसी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिली है। आप मात्र आपको कुछ नहीं करना, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना, सारी कॉल दोस्तों आपको फ्री मिल रही है। फ्री दोस्तों जो आपका यहाँ पे एक और ग्रुप है आपका जो निफ्टी का। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे देख 100% की, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी को मैंने सेल दिया। देख सकते हैं निफ्टी सेल 14,775 के नीचे जाते हैं, निफ्टी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे लुढ़कता नजर आएगा। देख सकते हैं पूरे टारगेट सक्सेसफुल, बैंक निफ्टी को यहाँ पे मैंने सेल दिया कि 33,100 अगर ब्रेक करता तो बैंक निफ्टी आपको 32,870 32,750 उसके नीचे भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल, जबरदस्त मुनाफा यहाँ पे लेके गए हैं 100% के साथ। चलिए दोस्तों ऑप्शन ग्रुप में चलते हैं।
ऑप्शन ग्रुप में दोस्तों आप 100% की एक्यूरेसी के साथ ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे आपने मचाया है, यानी ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया। देख सकते 14,800 का पुट में ज़बरदस्त प्रॉफिट और टारगेट सक्सेसफुल, 33,100 का पुट में ज़बरदस्त प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त यानी कि टारगेट सक्सेसफुल, सारे टारगेट सक्सेसफुल, ज़बरदस्त मुनाफा यहाँ पे लेके गए हैं यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी। सारी कुल दोस्तों आपको मिल रही है फ्री के अंदर, आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा के दोस्तों मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है और ताकि दोस्तों आपको मैं ऐड कर सकूँ एक साल के लिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।